नमस्कार जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग में कुछ सेवाओं के जीएसटी रेट और उनके क्लासिफिकेशन पर स्पष्टीकरण देने का निर्णय लिया गया था उसी सिलसिले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सर्कुलर नंबर 164 Oblake 19, ट्वेंटी वन जीएसटी जारी किया है सबसे पहले जो इश्यू क्लेरिफाई किया है वह क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन से रिलेटेड है क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन के बारे में डाउट इसलिए आया क्योंकि जनरली हम रेस्टोरेंट उसे कहते हैं जहां पर खाना बनता भी है और वहीं पर बैठकर लोग खाने के लिए अरेंजमेंट भी किया गया होता है इस कनेक्शन में इस सर्कुलर के माध्यम से यह बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट है उसमें जो रेस्टोरेंट सर्विस की डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार रेस्टोरेंट सर्विस मींस सप्लाई बाय वे फॉर एस पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पन और एनी ड्रिंक प्रोवाइडेड बाई अ रेस्टोरेंट ईटिंग ज्वाइंट इंक्लूडिंग मैस कैंटीन वेदर फॉर कंजम्पशन ऑन और अवे फ्रॉम द पीमाइसिस तो यहाँ पर यह वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑन और अवे फ्रॉम द पीमाइसिस वेयर सच फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक इज सप्लाई तो जहाँ पर वह सप्लाई किया है उसके अलग जगह पर भी जाकर उसका ग्रहण किया जाता है भोजन किया जाता है तब भी उस पीमाइसिस को रेस्टोरेंट सर्विस की डेफिनेशन में माना जाएगा इसी प्रकार जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस के लिए उसमें रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कहा गया है रेस्टोरेंट सर्विस इंक्लूड्स सर्विसज प्रोवाइडेड बाई रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज एंड सिमिलर ईटिंग फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग टेक अवे सर्विस रूम सर्विस एंड डोर डिलीवरी ऑफ फूड इसलिए जहाँ पर ये टेक अवे सर्विसेज या डोर डिलीवरी की सर्विसेज भी की जाती है वह रेस्टोरेंट सर्विस के श्रेणी में आ जाता है तो इस प्रकार से जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज की डेफिनेशन जो नोटिफिकेशन में दी है उसके आधार पर यह क्लैरिफाई किया गया है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सर्विस इज़ प्रोवाइड बाई वे ऑफ कुकिंग एंड सप्लाई ऑफ फूड बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन आर कवर्ड अंडर रेस्टोरेंट सर्विस एज डिफाइंड इन नोटिफिकेशन नंबर इलेवन ऑप्लिक टू तो ये जो क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन है वह रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर ही आएगी और उस पर पाँच परसेंट जीएसटी लगेगा इस प्रकार का यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है दूसरा इसी से मिलता जुलता जो प्रश्न है वह आइसक्रीम पार्लर के द्वारा आइसक्रीम सप्लाई करने से रिलेटेड है यहाँ पर भी प्रश्न यही है कि क्या आइसक्रीम पार्लर्स के द्वारा आइसक्रीम बेची जाती है उसे रेस्टोरेंट सर्विस में माना जाएगा तो यहाँ पर यह स्पष्टीकरण दिया है कि जनरली जो आइसक्रीम पार्लर्स है वे किसी भी प्रकार के कुकिंग में या आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करने के कार्य में एंगेज नहीं होते हैं जैसा कि रेस्टोरेंट होते हैं वे केवल बनी बनाई आइसक्रीम को सर्व करते हैं तो इस प्रकार से रेस्टोरेंट की जो सर्विस है और यह पार्लर की सर्विस है वे दोनों अलग अलग प्रकार की है तो इसी कारण से यहाँ पर यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को सेल करते हैं वो खुद ना तो आइसक्रीम बनाते हैं ना ही कुछ और चीज़ कुक करते हैं जिस प्रकार से रेस्टोरेंट करते हैं तो इसलिए जो सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय दी पार्लर उसको 18% परसेंट जी रेट में माना जाएगा यहाँ पर यह दुविधा होने का यह रीज़न था क्योंकि कई पार्लर में आइसक्रीम खरीद कर वहीं पर बैठने की भी व्यवस्था होती है या बाहर की साइड में कुछ चेयर्स वगैरह हो तो क्या वो रेस्टोरेंट में आएगा लेकिन यह स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि क्या उस जगह पर आइसक्रीम मैन्युफैक्चर होती है या नहीं आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम मैन्युफैक्चर नहीं होती इसलिए उसे रेस्टोरेंट की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और 18 परसेंट जी लगेगा नेक्स्ट इश्यू यह है कि जो एन के द्वारा सेंट्रल स्कीम स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसबिलिटीज़ उसके अंतर्गत कोचिंग या ट्रेनिंग दी जाती है उसे जीएसटी में से एग्जम्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पर यह नोट करना आवश्यक है कि जो स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसबिलिटीज़ यह जो सेंट्रल स्कीम है इसका पूरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है और यह ग्रांट इन एड के रूप में इस प्रकार के एन या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट उसकी एंट्री नंबर 72 यह दर्शाती है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज़ बॉन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन यह एग्जम्ट रहेगी तो यहाँ पर जो यह एंट्री है इसका स्कोप काफ़ी वाइड है और इस एंट्री के तहत क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर ग्रांट इन एड देती है इस प्रकार के एन को या इंस्टीट्यूशन्स को जिसके अंतर्गत स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसबिलिटीज के अंतर्गत ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाए तो वह इस एंट्री के अंतर्गत कवर्ड हो जाएगी और इस एंट्री का लाभ लेते हुए इस प्रकार की सर्विस पर कोई भी जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा नेक्स्ट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करने पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में है यहां पर यह बताया गया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आने वाली होली ओन्ड कंपनी है उसके द्वारा कौन सी सर्विसेज़ को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा इस बारे में इस सर्कुलर के माध्यम से यह बताया गया है कि जो सर्कुलर नंबर टू ऑब्लिक वन ऑब्लिक टू थाउजेंड था जिसमें अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइड किए जाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था और उसमें यह बताया गया था कि यदि कस्टमर्स भारत के बाहर के हैं यानी भारत के बाहर के किसी अन्य एजेंसी या अन्य देश के लिए सैटेलाइट लॉन्च करते ही है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और वह जीरो रेटेड रहेगा और यदि जो सर्विस रिसिपियंट भारत के अंदर है अर्थात भारत सरकार का या भारत सरकार की किसी अन्य एजेंसी का या भारत में रहने वाले किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन का सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष कॉरपोरेशन तो वह सर्विस टैक्स के लिए लायबल रहेगा और यहाँ पर यह स्पष्टीकरण दिया है कि जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड करती है वह भी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जैसी ही है तो यह सर्कुलर यहाँ पर भी लागू होगा अर्थात भारत से बाहर के किसी कस्टमर के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो वह जीरो रेटेड सर्विस मानी जाएगी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी और भारत के किसी कस्टमर के लिए किया जाता है तो यह एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी हालांकि यहाँ पर यह जो वर्ड लिखा है कि सैटेलाइट लॉन्च सर्विस वुड बी टैक्सेबल जो रिसिपियन लोकेटेड इन इंडिया है उसके लिए सर्विस टैक्सेबल रहेगी यह मुझे लगता है कि जिस समय यह सर्कुलर नंबर टू ऑब्लिक वन ऑब्लिक टू थाउजेंड इश्यू किया था उस समय बात सही थी लेकिन आज के संदर्भ में यह थोड़ा सा परिस्थिति में परिवर्तन आ गया है यह नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से एंट्री नंबर 19 सी इंसर्ट की गई है जिसके अनुसार सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इन सर्विस को एग्जाम कर दिया गया है इसमें कोई कंडीशन भी नहीं रखी गई है तो मुझे लगता है 16 अक्टूबर 2020 के बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विस दी जाती है चाहे वो कस्टमर इंडिया के अंदर का हो या कस्टमर इंडिया के बाहर का हो दोनों ही परिस्थितियों में जीएसटी नहीं लगेगा यह जो क्लैरिफिकेशन अभी दिया गया है वह भी 16 दस 2020 के पहले के लिए ही लागू होगा नेक्स्ट इश्यू टोल रोड पर ओवरलोडिंग चार्जेस पे करने पर कितना जीएसटी लगना चाहिए उसके संदर्भ में है ओवरलोडिंग चार्ज के बारे में यह क्लैरिफाई किया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की एंट्री नंबर 23 थ्री ये एग्जाम करती है सर्विसेज बाई वे ऑफ एक्सेस टू ए रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस अर्थात टोल चार्जेस पर कोई भी जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उन्होंने नोटिफिकेशन दिनांक 25 सितंबर 2018 से नेशनल हाईवे के ऊपर ओवरलोडेड व्हीकल भी चलाने की अनुमति दे दी लेकिन उसके लिए जो पेमेंट है वह जो टोल का रेट है उसका दुगुना चौगुना छः गुना आठ गुना या दस गुना पेमेंट करके देना है ऐसा निश्चित किया है तो इसका अर्थ है कि जो ओवरलोडिंग चार्जेस है वह भी वास्तव में है तो टोल ही लेकिन नॉर्मल टोल रेट से दुगुना चार गुना छः गुना आठ गुना या दस गुना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जी काउंसिल ने यह रेकमेंड किया था कि ओवरलोडिंग चार्जिस को भी वही ट्रीटमेंट दिया जाए जो टोल चार्जेस को दिया जाता है तो इसका सिंपल लैंग्वेज में अर्थ यह हुआ कि जो ओवरलोडिंग चार्जेस है वह भी नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की एंट्री नंबर 23 के अंतर्गत कवर्ड हो जाएंगे और उस पर भी जीएसटी देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी नेक्स्ट इश्यू स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज या लोकल ऑथोरिटीज को व्हीकल रेंट पर देने पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में है नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की सीरियल नंबर 22 सर्विसेज़ बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स और टू ए लोकल अथॉरिटी एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन ट्वेल्व पैसेंजर्स इसको एग्जाम करता है यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है गिविंग ऑन हायर इसी पर जोर देते हुए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक केस के अंदर यह कह दिया कि जो ये व्हीकल्स स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को या लोकल अथॉरिटीज़ को दिए जा रहे हैं उन्हें गिविंग ऑन हायर नहीं कहा जा सकता उन्हें गिविंग ऑन रेट कहा जाएगा इसके कारण से यह सीरियल नंबर 22 का बेनिफिट नहीं मिलेगा इस संदर्भ में अब जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से यह क्लैरिफाई किया गया है कि जो गिविंग ऑन हायर वर्ड यूज़ किया गया है एंट्री नंबर ट्वेंटी टू के अंदर उसके अंदर रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स भी आ जाएगा और रेंटिंग ऑफ व्हीकल आ जाएगा तो फिर चाहे जब व्हीकल्स स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को या लोकल अथॉरिटीज को दे दिया है तो उस पर जी में से एग्जम्पन मिलेगा इस प्रकार से यदि व्हीकल रेंटिंग पर दिया गया है तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटी चाहे उन व्हीकल्स पर इफेक्टिव कंट्रोल रखते हों और उन बसेस का या व्हीकल्स का रूट वगैरह भी वही नक्की करते हों तब भी यह एग्जाम्सन मिलेगा और गिविंग ऑन हायर और गिविंग ऑन रेंट इनको डिफ्रेंशिएट करने की इस मैटर में आवश्यकता नहीं है मिनरल एक्सप्लोरेशन या माइनिंग राइट्स सरकार के द्वारा दिया जाता है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा और उस पर जीएसटी का रेट क्या लगेगा इसके बारे में भी अलग अलग एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ ने या एपेलेट अथॉरिटीज़ फॉर एडवांस रूलिंग ने अलग अलग डिसीजन दिए हैं तो इस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को भी इस सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है यह मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स में 1 जनवरी 2019 के बाद में एक स्पेसिफिक एंट्री कर दी गई और 18 परसेंट जीएसटी रेट लगेगा यह yes, स्पष्ट कर दिया गया लेकिन उससे पहले अर्थात 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2018 के लिए कन्फ्यूज़न था जो छत्तीसगढ़ और हरियाणा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इस सर्विस को सर्विस कोड 997337 के अंतर्गत क्लासिफाई किया जिसमें लाइसेंसिंग सर्विसेज़ फॉर द राइट टू यूज मिनरल्स इंक्लूडिंग इट्स एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूएशन यह आता है और यह उसमें डिसाइड किया गया कि 1 जनवरी 2019 के पहले उस पर 5% जीएसटी लगेगा नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 17 की आइटम 8 के अनुसार यह जो आइटम एट है यह इम्पोर्टेंट है हमारे आज के पर्पज़ के लिए दूसरी तरफ जो एपेलैट अथॉरिटी फॉर एडवांस उलिंग ओडिशा उसने भी अपनी एडवांस उलिंग ऑथॉरिटी के डिसीजन के अंदर इस सर्विस का क्लासिफिकेशन तो वही किया लेकिन यहाँ पर उन्होंने यह डिसाइड किया कि इस प्रकार का माइनिंग लीज देने की जो सर्विस है उस पर 1 जनवरी 2019 से पहले भी 18 परसेंट जी रेट लगेगा ऐसा निर्णय देने के पीछे उनका जो लॉजिक था वह यह था कि यह सीरियल नंबर 17 आइटम एट नोटिफिकेशन नंबर इलेवन ऑब्लिक 2017 वह इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं था क्योंकि उस एंट्री के अंदर उस सब क्लोज एट के अंदर यह दर्शाया गया था कि सेम रेट एज एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स लेकिन इस केस में तो गुड्स जो हैं जो खनिज खनिज जो हैं जो माइनिंग में से निकालने वाले हैं वो लीज पर नहीं दिया गया है लीज पर तो ज़मीन दी गई है तो जब वस्तु लीज पर ही नहीं दी गई है तो उस एंट्री में जो वस्तु लीज पर दी जाए उसके रेट की जो बात कही है वह इम्प्लीमेंटेबल नहीं है ऐसा निर्णय देकर यह कहा गया कि जो 1 जनवरी 2019 से जो एंट्री नई आई है वह पुराने पीरियड के लिए भी क्लैरिफिकेटरी एंट्री थी तो वह पुराने पीरियड को भी क्लेरिफाई करती है इसलिए पुराने पीरियड में भी वह 18% परसेंट पर जीएसटी लगेगा और वह सर्विस 997337 के अंदर क्लासिफाई होगी इस प्रकार से दो अलग अलग एडवांस वुलिंग अथॉरिटीज़ ने या दो से ज़्यादा भी अलग अलग एडवांस वुलिंग ऑथॉरिटीज़ ने अलग अलग डिसीजन इसके ऊपर दिए हुए थे इस इश्यू को जीएसटी काउंसिल की 45 मीटिंग में पैंतालीसवीं मीटिंग में रखा गया जिसमें जीएसटी काउंसिल ने यह रेकमेंड किया कि ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स ये चैप्टर हेडिंग या सर्विस कोड 997337 के अंतर्गत लाइसेंसिंग सर्विसेज फॉर द राइट टू यूज मिनरल्स इंक्लूडिंग इट्स एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूएशन इसी हेडिंग के अंतर्गत मोस्ट अप्रोप्रिएटली वहीं पर आते हैं तो क्लासिफिकेशन का यह इश्यू तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया इसमें कोई बहुत ज़्यादा दुविधा भी नहीं है जो 1 जुलाई 2017 से 31 बारह 2018 के लिए जीएसटी का रेट इस प्रकार के सर्विस पर क्या होना चाहिए उस निर्णय पर पहुँचने से पहले जीएसटी काउंसिल ने यह डिस्कशन किया कि जो जीएसटी काउंसिल की चौथी मीटिंग हुई थी तीन और चार नवंबर 2016 को उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सर्विसेज पर जनरली 18% परसेंट का रेट रहेगा उसके बाद में जो जीएसटी काउंसिल की चौदहवीं मीटिंग हुई थी मई 2019 में उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कुछ सर्विसेज पर पाँच परसेंट कुछ पर बारह परसेंट कुछ पर अट्ठारह और कुछ पर अट्ठाईस परसेंट रहेगा लेकिन जो रेसिडुअरी सर्विस है जिन पर कोई भी सर्विसेज का टैक्स नहीं लगाया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा तो वो 18% परसेंट जी लगेगा और थर्ड चीज़ यह इसमें ऑब्जर्व की गई कि जो सर्विसेज ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एंड माइनिंग लीज वह सर्विस टैक्स के रिजीम में भी उस पर लगभग साढ़े पंद्रह परसेंट स्टैंडर्ड रेट था तो इसलिए जीएसटी के अंदर स्टैंडर्ड रेट 18 परसेंट है तो उस सर्विस पर 18 परसेंट रेट लगना चाहिए इसके कारण से जो इंटेंशन था जीएसटी काउंसिल का वो इन मुद्दों पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी या सप्लाई के ऊपर जीएसटी 18 परसेंट के स्टैंडर्ड रेट से लगना चाहिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने यह रिकमेंड किया कि इवन इफ द रेट शेड्यूल डिड नॉट स्पेसिफिकली मैंसन द सर्विस बाई वे ऑफ ग्रांट ऑफ माइनिंग राइट्स हालांकि जो रेट शेड्यूल है नोटिफिकेशन नंबर इलेवन ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवनटीन सेंट्रल टैक्स रेट उसके अंदर कहीं पर भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है एक सात दो हजार सत्रह से इकतीस बारह अट्ठारह के बीच में कि जो सर्विस बाई वे ऑफ ग्रांट ऑफ माइनिंग राइट्स कहाँ पर फॉल होगा फिर भी यह एटीन परसेंट जी एस टी इस पर लगेगा जैसा कि चौदवी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था और एक जनवरी 2019 के बाद तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं यहाँ पर मेरा एक यह कहना है कि जैसे गुड्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर वन ओब्लिक टू सेंट्रल टैक्स रेट है उसमें जो गुड्स कहीं पर भी क्लासिफाई नहीं होती उन गुड्स के लिए रेसिड्यूरी एंट्री शेड्यूल थ्री के अंदर सीरियल नंबर 453 है चार लेकिन इस प्रकार की कोई भी एंट्री सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर नहीं है तो यह निर्णय तो जीएसटी काउंसिल के रेकमेंडेशन के आधार पर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर दिया कि 1 जुलाई 2017 से 31 बारह 2018 के बीच में इस प्रकार के ग्रांट ऑफ माइनिंग राइट्स के ऊपर 18 परसेंट टैक्स लगेगा लेकिन कौन से सीरियल नंबर से वह है? टैक्स लगेगा यह स्पष्टता अभी करना मुझे लगता है बाकी है और यह संपूर्ण क्लैरिफिकेशन नहीं माना जा सकता नेक्स्ट क्वेश्चन एम्यूजमेंट में एडमिशन से लेकर है नोटिफिकेशन नंबर इलेवन ऑफ लीग 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर थर्टी फोर में दो सब एंट्रीज अलग अलग रेट प्रिस्क्राइब करती है जहां पर एटीन परसेंट जी एस टी के रेट में सर्विसज बाई वे ऑफ़ एडमिशन टू एम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क वाटर पार्क जॉय राइड्स मेरी गो राउंड गो कार्टेल एंड बेलेट्स यह आता था और ट्वेंटी एट परसेंट की एंट्री में सर्विसिज़ बाई वे ऑफ एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स और एक्सेस टू एम्यूजमेंट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कैसिनोस रेस क्लब बाई स्पोर्टिंग इवेंट्स सच एज़ इंडियन प्रीमियर लीग एंड द लाइक यह आता था ये दोनों ही एंट्री में एम्यूजमेंट पार्क या एम्यूज़मेंट फैसिलिटीज़ और कुछ चीज़ें कॉमन लगती थी जिसके कारण से कन्फ्यूज़न होता था इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक अक्टूबर 2021 से इन एंट्रीज़ को रिवाइज़ कर दिया है और अब एंट्रीज काफ़ी क्लियर हो गई है लेकिन पुराने पीरियड के लिए इश्यू को क्लैरिफाई करने के लिए इस सर्कुलर के माध्यम से यह बताया गया है कि जो 28 परसेंट की एंट्री थी वह वहाँ पर लागू होगी कि जिस जगह पर कैसीनो या रेस क्लब है उस जगह पर यदि वह अन्य किसी भी प्रकार की सर्विसेज देते हैं फिर भी वहाँ पर 28% एट परसेंट जी लगेगा और उसके अलावा की जो एम्यूज़मेंट पार्क या थीम पार्क इत्यादि है जहाँ पर जॉय राइड्स मेरी गो ये सब तो हैं लेकिन वहाँ पर कैसीनो और रेस क्लब नहीं है तो वो अट्ठारह परसेंट के दायरे में आएगा तो इस प्रकार से यह पुराने पीरियड के लिए भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है और एक अक्टूबर दो के बाद तो नोटिफिकेशन की एंट्री ही एकदम स्पष्ट है लास्ट इश्यू अल्कोहलिक लीकर के जॉब वर्क पर कितना जीएसटी लगेगा उससे रिलेटेड है जो लोग अन्य ब्रांड ओनर्स के लिए अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जॉब वर्क पर मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी तरफ से यह एक डाउट रेज किया गया कि क्या इस प्रकार के जॉब वर्क पर 5 परसेंट जी अदा करें तो यह सही रहेगा क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की सीरियल नंबर 26 उसका आइटम वन इंटू ब्रैकेट रोमन वन और एफ उसमें जी रेट 5 परसेंट प्रिस्क्राइब किया गया है उन सर्विसेज़ के लिए सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स फॉलोइंग अंडर चैप्टर वन टू ट्वेंटी टू इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स टेरिफ एक्ट नाइनटीन अब यह जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है यह भी चैप्टर ट्वेंटी के अंदर आता है इसलिए यह डाउट हुआ कि क्या इस चैप्टर वन टू ट्वेंटी के अंदर आने से इस प्रकार के जॉब वर्क पर भी पाँच परसेंट जी लगेगा इस बारे में जी काउंसिल ने विचार किया और उसके बाद में यह रेकमेंड किया कि जो एक्सप्रेशन फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स फॉलोइंग अंडर चैप्टर वन टू ट्वेंटी टू तो अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यह फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में नहीं आते हैं कॉमन पार्लेंस में भी अल्कोहलिक बेवरेजेस उसको फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स में नहीं माना जाता है इसलिए यह जो फाइव परसेंट की एंट्री फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए है उस एंट्री में यदि किया जाता है तो वह नहीं आएगा और इस प्रकार का जो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जॉब वर्क किया जाता है तो उस पर 18% परसेंट भुगतान करना होगा आज के अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद